हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए कविता धिंगड़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एडवाइजरी जो कि जीएसटी पोर्टल पर इशू की गई है। जो ये एडवाइजरी है ये हमारे पास ई इनवॉइस से रिलेटेड दी गई है। ई इनवॉइस में पहले हमारे पास क्या होता था, ई इनवॉइस में पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, आप ई इनवॉइस कितने भी दिन के बाद इशू कर सकते थे। जैसे 1 अप्रैल को आपने इनवॉइस इशू किया तो उसका ई इनवॉइस आप चाहते तो 30 अप्रैल को भी बना सकते थे, 15 मई को भी बना सकते थे, कोई भी टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने पहले नहीं दी हुई थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक टाइम लिमिट जो है वो इम्पोज कर दी जाएगी। किसके ऊपर? जितने भी आपके पास ओल्ड इन्वॉइसेस हैं जिसके अगेंस्ट आप ई इन्वॉइसेस इशू कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लिमिट आपके पास रखी जाएगी। लेकिन ये जो टाइम लिमिट है सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या उसके इक्वल है। फिर से मेरी बात सुनेंगे, पहले ई इनवॉइस जनरेट करने से रिलेटेड कोई भी टाइम लिमिट इम्पोज नहीं की गई थी, लेकिन अब टाइम लिमिट को इम्पोज कर दिया गया है। टाइम लिमिट किसके लिए इम्पोज हुई है? उन लोगों के लिए जिसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ है या उससे इक्वल है। ठीक है, 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है। दूसरा आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, अभी तो 100 करोड़ वालों के लिए लिमिट आई है, लेकिन जैसे इनवॉइस की लिमिट रिड्यूस होती चली गई थी तो ये टाइम लिमिट वाली जो लिमिट है ये भी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो आप अभी से अपने इनवॉइस जो है वो टाइमली बेसिस पे बनाना शुरू कर दीजिए। आगे हम देखेंगे जो भी हमारे पास ये ई इनवॉइस है इसके लिए टाइम लिमिट कितनी फिक्स की गई। यहाँ पे आपकी जो टाइम लिमिट फिक्स की गई है वो 7 डेज के लिए फिक्स की गई है। यानी कि 1 अप्रैल को आपने अगर इनवॉइस बनाया तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8th अप्रैल तक ई इनवॉइस बना सकते हैं। इसके बाद जो पोर्टल है पोर्टल ही आपको डिसअलाउ कर देगा, ई इनवॉइस बनाने नहीं देगा आफ्टर 7 डेज, वो विंडो ही बंद हो जाएगी। और इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इनवॉइसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी डेबिट क्रेडिट नोट आप बाद में भी इशू कर सकते हैं। देखिए, दिस रिस्ट्रिक्शन विल ओनली अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस, यानी इनवॉइस की जो डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ वहीं एप्लीकेबल होगी। नो टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपोर्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन फिलहाल जारी नहीं की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इट इज फर्दर टू क्लैरिफाई दैट देयर विल बी नो सच रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन टैक्सपेयर विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 करोड़। फिलहाल लेस देन 100 करोड़ वालों के ऊपर कोई भी ये लिमिट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये लिमिट आ जाएगी, कुछ टाइम के अंदर अनाउंस हो सकता है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी रखना शुरू कर दीजिए, अभी से इसी तरीके से इनवॉइस बनाइए ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आगे अगर हम बात करें, हमारे पास सफिशियंट टाइम भी दिया गया है इसको फॉलो करने के लिए। टाइम कब से है? 1 मई 2023, यानी अभी हमारे पास कुछ दिन है प्रिपेयर होने के लिए। तो 1 मई 2023 के बाद जो है आप ये इनवॉइस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज। तो गाइज ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको टैक्सोनेशन की फ्रेंचाइजी चाहिए तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन डिस्काउंट कूपन भी मैं डालने वाली हूँ, अगर आप उस डिस्काउंट कूपन को डालेंगे तो 20% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।